हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूँ, फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। प्रभुनाथ, यह है महाराज सुग्रीव और महाराज यह है रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूं। आपने एक सिंहासन विहीन को महाराज कहकर संबोधित किया, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता नहीं, यह हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम आपको सदा महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम आपके सद्भावना वचनों से कृतार्थ हुए। अब गुफा के अंदर चलिए, हमारे निवास को पावन कीजिए। पधारिए पधारिए, विराजिए। नहीं महाराज, यह स्थान तो आपका है। आप हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री वृक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है महाराज। हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं हम। महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं, उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें फिर मैं आपकी सहायता करूं, यह उचित नहीं है। और दूसरी, जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर
केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वो नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्षयोनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सके। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता तो एक राजा की एक रंक के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। आप धन्य है राम, मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। महाराज सुग्रीव, आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगी मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु, उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। Thank you.
मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। कीजिए प्रभु। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। मेरे तुणीर में ये तेजस्वी बाण अमोघ है, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये रोष में भरे हुए सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी वेश में हों, परंतु हमारे पास क्षत्रिय वृत्ति से उत्पन्न उत्साह और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है। हम उसी उत्साह और अस्त्र बल के भरोसे आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब शीघ्र ही उस दुराचारी वाली को मेरे ये बाण अवश्य मार गिराएंगे।